गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज शुक्र है मेरी नींद खुल गई है। कई दिन से सुबह नींद नहीं खुल रही थी, तो 4:30 बज गए हैं। तो अब मैं मुँह हाथ धो लेती हूँ, फटाफट घर में झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर चलते हैं फेरी पे। जय हो, जय हो श्री राधेश। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे रानी की जय हो। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। फेरी से आ गई हूँ और बच्चों का टाइम हो जाता है स्कूल का, इसीलिए यूँ तो अब घर जा रही हूँ। फिर हर्ष को भेजना स्कूल, और कई दिनों के बाद आई हूँ स्कूल, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और कई दिन से नींद भी नहीं खुल रही थी, बहुत ज़्यादा लेट हो जाती थी। तो अब कोशिश करेंगे कंटिन्यू आने की। रात को लेट हो जाते हैं तो मॉर्निंग में सुबह आँख नहीं खुलती है, कई दिन से लेट हो रहे थे। तो अब फिर से ठाकुर जी की मर्जी होगी, जरूर फिर में आया करेंगे। आप लोगों से भी निवेदन ये है जो आसपास यहाँ पे रहते हैं 15 सेक्टर में सोनीपत में, वो लोग भी जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, आनंद लीजिए। तो चलते हैं, जय श्री राधे। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोगों को पता नहीं ना क्यों, तो पूछो पूछो क्यों खुश हूँ मैं। आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है उसका 12th का रिज़ल्ट आ गया है और वो अच्छे नंबरों से पास हो गया है, तो उसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अब फटाफट मीठा मंगवा लेते हैं और ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं और सबका मुँह मीठा करवाते हैं।
पे बैठा हूँ। तो आज मैंने सबका मुंह मीठा करवा दिया है क्योंकि आज केशु पास हो गया है 6 नंबरों से। तो अब रोटी की बारी थी तो बच्चों ने कहा बाहर खाएंगे, तो बाहर तो आज जा नहीं सकते थे क्योंकि इसके पापा ने लेट आना था। तो मैंने घर पे चाप मंगा ली है बाहर से और घर पे ही रोटियां सेक दूंगी और बच्चों को खिला दूंगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, गुड नाइट।